नमोरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुंदकुंदारी जैन धर्मोस्तु सर्वकल्याणकारक प्रदानं जैनं जयतु ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच अज्ञानतिमिरं ज्ञानाजन्यशलाक चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहार मंगलमय मंगलकरण वीतराग विघ्न नमो ताहि जाते भय हरिहंता धीमा ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनय में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र में अवतरण होना यानी कि भव्य जीवों का भावी होना अति आसन भव्यता पक चुकी है तो उसके लिए बात सुनने को मिलती है कि पर्याय के अंदर में पर्याय का अनुभव होता है, पर्याय में द्रव्य नहीं आता। ज्ञान और श्रद्धा का सामर्थ्य तो आता पर्याय में लेकिन द्रव्य नहीं आता। ऐसी अद्भुत बात पर्याय में पर्याय की अनुभूति होती है, द्रव्य की अनुभूति नहीं होती। फिर भी वो आत्मा है अनुभूति के समय, जो अनुभव में आया जितना आनंद आया उतना ही आत्मा। तो भी बात स्वभाव को मजबूत करने की नहीं है, स्वभाव तो मजबूत ही है, उसमें बैठ जाओ। हमने अपनी बात को पक्की करने का प्रयत्न किया लेकिन वस्तु मजबूत है, अनादि अनंत मजबूत है, उस मजबूत वस्तु पर बैठ जाना ये आत्मार्थियों का परम कर्तव्य है। सुगन जी साहब द्रव्य दृष्टि प्रकाश के 578 नंबर का बोल में कहते हैं, सारे जगत में बस मैं ही एक वस्तु हूँ, सारे जगत में बस मैं ही एक वस्तु हूँ और कोई वस्तु है ही नहीं। मैं ही एक वस्तु हूँ और कोई वस्तु है ही नहीं। अरे दूसरी कोई वस्तु है या नहीं ऐसा विकल्प भी क्यों? देखिए स्वभाव की महिमा ऐसी होती है, दूसरी जितने भी पदार्थ है जितने भी द्रव्य वो क्या है हमें उससे क्या, मैं ही एक वस्तु हूँ बस, इसके अलावा और कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए। मैं ही मैं, मैं ही मैं, मैं ही मैं एक वस्तु हूँ। कोई वस्तु नहीं ऐसा नहीं, कोई वस्तु है ही नहीं।
यानी कि अन्य द्रव्य तो वस्तु नहीं है हमारे लिए, लेकिन जो पर्यायी आत्मा की कही जाती है ऐसी पर्यायी भी अवस्तु है। दर्शन ज्ञान चरित्र की सम्यक की पर्याय अवस्तु, मुनि अवस्था गुणस्थान का बढ़ता हुआ क्रम, शुद्धता की वृद्धि, शुद्धता की पूर्णता, सब अवस्तु है। ऐसे अपने स्वभाव की महिमा आवे तो मैं एक ही वस्तु हूँ, एक ही वस्तु हूँ। कितनी अद्भुत बात, कितनी अलौकिक बात पूज्य सोगानी जी ने की है। मैंने उनको ऐसा लगना चाहिए कि जगत के अंदर में मेरा कोई ज्ञेय है ही नहीं। वो बोले ज्ञान का ज्ञेय, ज्ञान का ज्ञेय, और दृष्टि राग के ऊपर रहे, लक्ष्य राग के ऊपर रहे, तो बात तो चोट मारने वाली है। पर पदार्थ का लक्ष्य तुझे क्यों जाता है प्रभु? तू एक चिदघन वस्तु है, आनंद घन वस्तु है, ऐसा परम पारिणामिक भाव मैं हूँ। सुगंधी जी साहब को तो इस बात पे बहुत चोट लगती थी, और अपने को भी उसके ऊपर चोट लगनी चाहिए। ऐसी अद्भुत बात द्रव्य दृष्टि प्रकाश नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ के अंदर में पूज्य सुगंधी जी ने कही है। पाँच सौ अस्सी नंबर का बोल है, अपरिणामी का अर्थ क्या? ऐसा प्रश्न पूज्य सुगानी जी को पूछा गया। आत्मा पर्याय बिना का सर्वथा कुटस्थ है। सबसे पहली बात तो आत्मार्थियों के अंतरंग में आनी चाहिए कि मैं टंकोत किरण अपरिणामी हूँ। टंकोत किरण अपरिणामी, त्रिकाल अपरिणामी हूँ। फिर आगे सुगानी जी साहब क्या कहते हैं अपन पढ़ते हैं, लेकिन विश्वास तो यह आना चाहिए कि मैं त्रिकाल अपरिणामी हूँ, अत्यंत अप्रभावित रहने वाली वस्तु हूँ। टंकोत किरण अत्यंत अप्रभावित, किसी भी परिणाम से मैं प्रभावित नहीं होता। परिणाम बिना का द्रव्य नहीं होता है, बात तो सही है। कहते अपरिणामी अर्थात द्रव्य में पर्याय सर्वथा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक लिटी में जवाब तो दे दिया कि पर्याय बिना का द्रव्य सर्वथा कुटस्थ है, ऐसा नहीं है। पर्याय है लेकिन पलटनशील परिणमन स्वभावी पर्याय को गौण करके मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, अभेद हूँ, ऐसे ध्रुव द्रव्य पर नजर आनी चाहिए। परिणाम है वो पलटनशील है, परिणमने वाले हैं, उसको गौण करके, उसको दृष्टि में से उसका लक्ष्य हटाकर मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, अभेद हूँ। वर्तमान में परिपूर्ण हूँ और अभेद हुए बात अंतरंग के अंदर में जमनी चाहिए। मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, और उसका अर्थ यह होता है कि त्रिकाल परिपूर्ण हूँ, स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, स्वभाव से अभेद हूँ, स्वभाव से एक हूँ, स्वभाव से अखंड हूँ, वर्तमान में परिपूर्ण। देखिए अपनी जो चाह है सम्यक दर्शन की या मोक्ष मार्ग की या मोक्ष की, ये चाह तब उत्पन्न हो सकती है जब वर्तमान में हम अपूर्ण हो तब, या अशुद्ध हो तब। अशुद्ध हो तो शुद्धता की प्राप्ति, और शुद्धता हो तो आंशिक शुद्धता हो तो पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति। लेकिन मैं वर्तमान में पूर्ण हूँ, इसके अंदर में क्या चाहिए? मैं वर्तमान में पूर्ण शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, है ना, अभेद हूँ,
ध्रुव द्रव्य को और ध्रुव पर्याय को देखने का विधान यह है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का एकमात्र विधान पर्याय को दृष्टि में गौण करके और द्रव्य मात्र को मैं वर्तमान में पूर्ण शुद्ध हूँ उस मात्र को मैं अभेद हूँ उस मात्र को ध्रुव स्वभाव को ध्रुव पर्याय को यानी कारण शुद्ध पर्याय को लक्ष्यगत करते ही सम्यक दर्शन का जन्म होता है। दूसरा कोई विधान नहीं है पर्याय मात्र को गौण करके। पर्याय है पर्याय में मेरे में नहीं है, वो परिणामशील है पलटनशील है बदलने वाली है, मैं उसका क्या करूँ। अपनी योग्यता से परिणमती है क्रमबद्ध से परिणमती है। अपन बोले योग्यता और क्रमबद्ध की चर्चा करें लेकिन उसको माने नहीं, परिणाम क्रमबद्ध है ऐसा माने नहीं तो खटकने वाली बात है। गुरुदेव को अपन मानते हैं गुरुदेव को अपन सुनते हैं लेकिन गुरुदेव की एक भी नहीं मानते। वास्तविकता तो यह है यदि गुरुदेव के एक प्रवचन के अंदर में 12 अंग का सार नहीं आता हो ऐसा एक प्रवचन दिखा दीजिए। अभी भी जो प्रवचन अपन सुन के आए हैं उसके अंदर में क्या बात आई। द्रव्य परिणाम में आता नहीं, द्रव्य का ज्ञान आता है सामर्थ्य आता लेकिन द्रव्य नहीं आता। ऐसी वस्तु मैं हूँ ऐसा लक्ष्य होते ही सम्यक दर्शन हो जाता है। यहाँ पे भी यही कहते मैं पढ़ता हूँ, मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ अभेद हूँ ऐसे ध्रुव द्रव्य और ध्रुव पर्याय यानी कारण शुद्ध पर्याय का लक्ष्यगत करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का एकमात्र विधान परिणाम को गौण करके, दूसरे शब्दों में देखा जाए कहा जाए तो परिणाम का अपने में अभाव देखकर, परिणाम का परिणाम में सद्भाव मेरे में अभाव ऐसा अपना अस्तित्व को देखकर, अपने ध्रुव तत्व को देखकर, अपरिणामी तत्व को लक्ष्यगत करते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। स्पष्ट लिखा है सम्यक लक्ष्यगत करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सबको सम्यक दर्शन चाहिए, ऐसा एक भी जीव नहीं होगा जिसको सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। लेकिन होगा कैसे, बात तो यहाँ पर है कि अपरिणामी के लक्ष्य के बिना अनुभूति हो नहीं सकती। प्रभु एक बार राग विकल्प निर्विकल्पता और द्रव्य चारों को सहज मान, राग होता है तो ये भी सहज होता है, विकल्प आते हैं ये भी सहज आते हैं, निर्विकल्पता होती है ये भी सहज होती है, अपना ध्रुव तत्व तो भी सहज है। वो अभी आप कहाँ पे क्या करोगे। सहज माने स्वाभाविक, सहज माने किसी की अपेक्षा बिना का, अपने स्वभाव को स्वभाव से देखने का विधान है। राग को उसके स्वभाव रूप देख, राग सहज है, सहज माने राग को यदि राग के स्वभाव से देखा जाए तो राग शुद्ध है। वितरकता से उसकी कंपैरिजन की जाती है तब अशुद्धता की बात आती है, लेकिन राग को राग के स्वभाव से देखा जाए तो राग शुद्ध है। प्रभु ये परम सत्य वचन है गुरुदेव से प्रमाणित, जीव को ऐसा लगता है शास्त्र में राग को तो अशुद्ध कहा, प्रभु अशुद्ध क्यों कहा। शुद्धता की दृष्टि की अपेक्षा से उसको अशुद्ध कहा गया, राग को राग भाव से देखे तो
शुद्ध है बिल्कुल। विकल्प सहज है बिल्कुल। आप बदलना चाहो, पलटना चाहो, मोड़ना चाहो, तोड़ना चाहो, तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। उससे विकल्प टूटेगा नहीं कभी भी। विकल्प भी सहज है, निर्विकलता होती है भी सहज है, और त्रिकाल अपनी जो वस्तु है वो तो सहज है ही है। तो आपको कहाँ क्या करना है? अपरिणामी वस्तु मैं हूं ऐसा विश्वास करना, एक समय के लिए भी यह विश्वास नहीं किया। विकल्प को तोड़ने का प्रयत्न किया उसलिए उसको सहज नहीं माना। राग का अभाव करने का प्रयत्न किया उसका मतलब उसको अभाव नहीं माना, सहज नहीं माना। निर्विकलता सहज में उत्पन्न होती है ऐसा नहीं जानकर निर्विकलता प्रकट करने का प्रयत्न किया तो उसको सहज नहीं जाना। और मैं त्रिकाल सहज स्वाभाविक अपरिणामी परमात्मा तत्व मैं हूँ ऐसा होने पर भी परमात्मा बनने का प्रयत्न किया तो उसको भी सहज नहीं माना। मैंने हर कदम पे कृत्रिमता 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 करते हुए अकृत्रिम वस्तु व्यवस्था का हमने हिंसा की है, उसलिए वस्तु कठिन हो पड़ी है। सहज व्यवस्था को हमने सहज की कोटि में नहीं रखा। मैं सुख स्वरूप हूं फिर कौन सा सुख चाहिए? जगत के अंदर में अनुकूलता प्रतिकूलता जैसी कोई चीज ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भ्रांति है। अब स्वभाव से देखा जाए तो पर्याय परिणमती रहती है, बदलती रहती है, पलटती रहती है। और द्रव्य पलटता नहीं है, एक रूप रहता है। तो जो एक रूप रहता है वो मैं हूँ। जगत के अंदर में अपन उस व्यक्ति का विश्वास नहीं करते जिस व्यक्ति बात बात में पलट जाता हो, अभी कुछ तभी कुछ, अभी कुछ तभी कुछ, उसका विश्वास नहीं करता। ये तो पलट जाने वाला आदमी, अभी कुछ का अभी कुछ कह दे। अपनी दृष्टि के अंदर में सिर्फ द्रव्य दिखना चाहिए। शिल्पकार होता ना, शिल्पकार जो मूर्ति बनाता है उसको यदि एक पूरा का पूरा पत्थर की पार्ट दे दी जाए, उसको पूछा जाए कि इसमें भगवान की आँख कहाँ है, प्रतिमा जी की आँख कहाँ है, तो आपको बता देगा यहाँ पे आँख, यहाँ पे नाक है, यहाँ पे कान है, यहाँ पे मुंह है। उन्हें उस पत्थर के अंदर में उसको प्रतिमा जी दिखती है, उस पत्थर के अंदर में जो आजू बाजू के जो भाग हैं उसको काटता नहीं है, वो मूर्ति का घाट बनाता है, मूर्ति को देखता है और मूर्ति का घाट बनाता चलता है। बाकी का जो निकला ना वो अपने आप निकल गया, उसने निकाला नहीं है। प्रतिमा जी के आसपास में जितने भी एक्स्ट्रा पत्थर थे जो निकल गए उसने निकाला नहीं, उसने तो प्रतिमा जी को बनाया। ऐसे गुरुदेव के संतान सब शिल्पकार होने चाहिए कि उसको अपना शुद्धात्मा दिखाई दे, राग इत्यादि भाव विकल्प इत्यादि भाव दिखाई न दे। उसको निकालना नहीं है, अपने आप निकल जाएंगे। आप टंकोत्कीर्ण अपरिणामी परमात्मा मैं हूँ वहाँ पे बैठ जाओ, बाकी के भाग अपने आप चले जाएंगे, कट जाएंगे, निकल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हमारी दृष्टि के अंदर में मूर्ति बसनी चाहिए, नायक मूर्ति चैतन्य मूर्ति बसनी चाहिए। जिसके हृदय में ज्ञायक मूर्ति बस गई, ज्ञायक में जम गया, बाकी का विभाग अपने आप निकल गया, उसको निकालना नहीं पड़ता। ये हमारा ये जो निकालने का जो अभिप्राय जो है ना, सरासर मिथ्यात्व को प्रबल करने वाला अभिप्राय है।
और यदि मूर्तिकार बाकी के पत्थर को निकालने का प्रयत्न करता तो उसको मूर्ति नहीं दिखाई देती है। जो राग का अभाव करना चाहता है उसको मैं वितराग मूर्ति वो नहीं दिखाई देता है। आसरोबंध का अभाव करना, समर निजरा को प्रकट करने का जिसका अभिप्राय है उसको चैतन्य मूर्ति परमात्म तत्व तो दिखाई नहीं देता। वहीं पे है, जहाँ पे आप बैठे हो वहीं पे है, दिखना चाहिए परमात्मा। परमात्मा दिखा तो बाकी का सब अपने आप गौण हो गया, जो अपने में नहीं था वो चला गया, अपन अपन रह गए, मैं यूं का यूं ही रह गया। जो परिणाम थी, जो परिणाम को परिणाम न था वो परिणाम गई और मैं यूं का यूं रह गया। ये कितनी अद्भुत बात है प्रभु। मूर्तिकार को मूर्ति के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, और दिखता है तो मूर्तिकार नहीं है, डेफिनेटली उसके अंदर में मिस्टेक होगी होगी। और वो तो अपने आँखों से प्रतिमा जी को देखता है और टाँकने से टाँकते रहता है। तू अपने ज्ञान टाँकने से, श्रद्धा के टाँकने से टाँकता रहे प्रभु। बाकी तो अपने आप निकल के चले जाएंगे, निकालना नहीं है। थे ही नहीं उसके, थे नहीं आसपास में थे तो चले गए। तू उसको मिटाने का प्रयत्न मत करना प्रभु, क्योंकि वो तेरी अस्थि में ही नहीं आते, तेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं आते, जहाँ निर्विकल्प मात्र वस्तु ऐसा स्वद्रव्य और निर्विकल्प मात्र वस्तु ऐसा विकल्प सो परद्रव्य हो। किसकी प्रभु तू चर्चा करेगा? स्वभाव को एक बार देख के समझ ले कि द्रव्य पलटता नहीं है और पर्याय पलटती रहती है। यदि द्रव्य परिणमन को प्राप्त हो जाए तो पलटते हुए द्रव्य के आश्रय से स्थिरता हो नहीं सकती। द्रव्य पर्याय पलटता हो जाए, पलटता को प्राप्त कर ले तो पलटनशील द्रव्य के ऊपर में स्थिरता नहीं हो सकती। और स्थिरता नहीं होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तुझे सम्यक दर्शन ही चाहिए, इतना ही तो प्रयोजन है। और प्रयोजन का विधान यह है, प्रयोजन की विधि यह है, इस बात को दृष्टि में लेना होगा। तूने एक समय के लिए भी इस बात को दृष्टि में नहीं लिया। अपन यदि राग को, विकल्प को उसकी कोटि में रहने दे, उसकी सत्ता में रहने दे, हमें उसमें क्या करना? राग राग की सत्ता में, विकल्प विकल्प की सत्ता में, मैं अपनी सत्ता में, सब कोई अपनी अपनी जगह पे सुरक्षित है। किसी को मिटाने का प्रयत्न मत करना, क्योंकि वो जो बाह्य जो पदार्थ है वो तेरे में है ही नहीं, तो है ही नहीं तो कैसे मिटाएगा? मिटाने का भ्रांति रूप विकल्प कर सकता है, मिटा नहीं सकता। वो अपने आप उत्पन्न होने वाले, अपने आप रहने वाले, अपने आप जाने वाले पदार्थ जो हैं वो स्वयं आए स्वयं चले जाएंगे। आज का गुरुदेव ने कर्मबंध है ही नहीं, तो वस्तु को तो इस विधि से देखना होगा ना कि वस्तु कैसी है। मैं एक ही वस्तु हूँ, बाकी सारा जगत अवस्तु है। प्रभु ये बात जचनी चाहिए, जमनी चाहिए। देखिए, और स्थिरता के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, इसलिए जो पलटती ही रहती है उसका लक्ष्य छोड़। इसलिए जो पलटती रहती है, ऐसा नहीं कहा, इसलिए जो पलटती ही रहती है उसका लक्ष्य छोड़। मैंने प्रत्येक बोल के अंदर में ही लगाया, एकांत किया। यदि अपन ऐसा सम्यक एकांत नहीं समझेंगे तो वस्तु की तरफ आ ही नहीं सकते। आज तक नहीं आने का कारण यह है कि हमने वस्तु को वस्तु के स्वभाव से पहचाना नहीं।
परभाव में बैठकर स्वभाव की चर्चा की, या परभाव के अभाव करने का प्रयत्न किया, या परभाव में फेरफार करने का प्रयत्न किया, पर स्वभाव को ठीक ठाक करने का प्रयत्न किया, लेकिन हमने उसकी सत्ता को स्वतंत्र जाना ही नहीं, स्वतंत्र माना ही नहीं, इसलिए सारी परेशानी हो गई। जब सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है तो उसमें तू क्या कर सकता है? अब जब कुछ कर ही नहीं सकता तो परेशान क्यों होता, परिश्रम क्यों करता है? प्रभु, एक बार मैं परमात्मा हूं ऐसा विश्वास कर। मैं टंकोत किरणा परिणामी हूं ऐसा विश्वास कर। सुगानी जी साहब को तो अपरिणामी शब्द भी खटकता था कि मेरे को जो बताना है उससे नजदीक का शब्द यह है। अपरिणामी मैंने नास्तिक रूप लगता है ना, लेकिन उसके अंदर में स्वभाव की पूरी पूरी कुटस्थ अस्थि है, त्रिकाल एक रूप अस्थि है, उसकी मस्ती आनी चाहिए। क्योंकि जो ध्रुव तत्व जो है, चैतन्य तत्व, एक ही सारभूत है, बाकी सारा का सारा असारभूत है, सब कुछ असारभूत है, अवस्तु है, असार है, मेरी सीमा रेखा से बाहर है, नज़दीक में दिखाई देते हैं लेकिन मेरे में नहीं है, संयोगी भाव है। मूर्ति के बाहर में जो कुछ भी है वो मूर्ति के साथ उसका कोई आदान प्रदान नहीं है, मूर्तिकार कभी ये नहीं कहेगा कि हम एक्स्ट्रा पत्थर है उसको निकालते हैं, वो यही कहेगा कि हम मूर्ति को टंकोत्कीर्ण करते हैं, मूर्ति को निकालते हैं, मूर्ति बनाते हैं। तो भैया बाकी का चीज बोला मैं नहीं जानता। ऐसे आत्मार्थियों को राग के बारे में, विकल्प के बारे में, निर्विकल्पता के बारे में, मोक्ष मार्ग के बारे में, मोक्ष पर्याय के बारे में मैं नहीं जानता। वो भिन्न सत्ता है बिल्कुल, विकल्प रूप परिणाम है या निर्विकल्प रूप परिणाम है, उनकी सहायता है, उनकी योग्यता है, उनकी क्रमबद्धता है, उसके मुताबिक वो परिणमित होते हैं, हम क्यों उसकी परवाह करें? उन्होंने गुरुदेव श्री के प्रवचन को सुनकर इतना तो निष्कर्ष अंदर के अंदर में हो जाना चाहिए कि मैं यह हूँ, मैं यही हूँ, ऐसा एकदम पक्का हो जाना चाहिए। क्योंकि 45 वर्षों में इसके अलावा गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, नायक मात्र को वस्तु कहा, केवल ज्ञान को वस्तु कहा, तो अपन क्यों उसके पीछे पड़ा है? चार भाव को जब अपरम भाव कहा और परम परिणामिक भाव को परम भाव कहा, तो परम भाव सो मैं, अपरम भाव का मैं क्या करूं? मैंने इतनी स्पष्ट पृथकता दिखनी चाहिए कि मेरे साथ उसका कोई आदान प्रदान ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, मेरे को किसी का संग ही नहीं है, मैं असंगी वस्तु हूँ, असंगी वस्तु किसका संग करूँ? द्रव्य पर्याय का संग नहीं करती, पर्याय द्रव्य का संग नहीं करती। इस दृष्टि से वस्तु को देखना होगा, तब द्रव्य दृष्टि पक्की होगी। क्योंकि अपन द्रव्य दृष्टि की बात करते हैं लेकिन द्रव्य दृष्टि जैसी होनी चाहिए ऐसी नहीं होती, अपेक्षा समेत होती है, सम्यक दर्शन प्रकट करने के अभिप्राय समेत होती है, तो द्रव्य दृष्टि इसको नहीं कहते हैं, इसको पर्याय दृष्टि कहते हैं। क्योंकि द्रव्य दृष्टि तो जिनेश्वर होती है और पर्याय दृष्टि विनेश्वर होती है। अपन को ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपरिणामी ध्रुव तत्व हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कहा, और स्थिरता के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता।
इसलिए जो पलटती ही रहती है उसका लक्ष्य छोड़, और ध्रुव अपरिणामी चैतन्य तत्व जो एक ही सारभूत है उसका लक्ष्य कर। परिणाम जो पलटते ही रहते हैं, ही रहती है, उसका लक्ष्य छोड़, और ध्रुव अपरिणामी चैतन्य तत्व जो एक ही सारभूत है उसका लक्ष्य कर। और लक्ष्य कर माने मैं हूँ, लक्ष्य कर माने इधर दृष्टि है, इधर दृष्टि फेरना ऐसा नहीं है, मैं हूँ उसका नाम लक्ष्य फेरना है। तूने पर्याय में मैं हूँ पना रखा था, वहाँ से दृष्टि को हटा ले, मैं परमात्म तत्व हूँ, मैं अपरिणामी ज्ञायक ध्रुव तत्व हूँ, ऐसा लक्ष्य कर, ऐसी दृष्टि कर। दृष्टि करना माना कोई परिश्रम है ही नहीं, मैं हूँ ऐसा श्रद्धान, मैं हूँ ऐसा विश्वास, मैं हूँ ऐसा अहमपना, भाई कितना सरल है, कुछ करना ही नहीं है। अभी तक करने के बोझे से परेशान हो रहा था, अनंत काल में सम्यक दर्शन नहीं किया। प्रभु वो सहज है तो उसको कर नहीं सकता अनादि अनंत काल में, किसी ने भी कर्ता भाव से सम्यक दर्शन एक भी जीव ने आज तक नहीं किया, न अनंत काल में कर पाएगा। अब जो विधान ही नहीं है उसको तो प्राप्त करना चाहे तो कैसे प्राप्त होगा, विकल्पों की हार माला चलेगी और कुछ नहीं होगा। चार गतियों में पुद्गल परावर्तन होते रहेगा और कुछ नहीं होगा। अपने को तो अपरिणामी चैतन्य तत्व को एक ही सारभूत तत्व है वो मैं हूँ ऐसा विश्वास करना है। इसमें क्या कठिन है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है और कुछ भी आपको ग्रहण नहीं करना है। पूरे जगत का अवस्तु का त्याग है, तो मैं एक ही वस्तु है उसका ग्रहण है, और मैं ग्रहण मन मैं स्वयं हूँ। ग्रहण मन पकड़ना ऐसा भी नहीं है, मैं हूँ ऐसा विश्वास, उसी को ग्रहण कहते हैं। ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण, ये व्यवहार से समझाने की व्यवस्था है। ज्ञान में ज्ञायक सदा ही है, पर का ज्ञान होता ही नहीं तो उसको बंद करने का उपदेश आता है, पर को जानना बंद कर। तो पर को तीनों काल में कभी जान ही नहीं सकता, और ज्ञान के अंदर में ज्ञायक का हमेशा ग्रहण है, उसको जानने का, उसको ग्रहण करने का उपदेश। तो व्यवहार के वचन तो प्रभु ऐसे ही होंगे, अपने को उसका मर्म समझना होगा, ज्ञानियों का हृदय समझना होगा, गुरुदेव का, सोगानी जी का, लालचंद भाई का हृदय समझना होगा, को क्या कहाँ ले जाना चाहते, क्या बताना चाहते। प्रभु वस्तु की व्यवस्था को व्यवस्था से समझा जाए तो सरलतम सरल कार्य है। अपन फिजूल के परेशान हो रहे हैं, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। मैं पुरुषार्थ मूर्ति हूँ, उसका नाम पुरुषार्थ। प्रभु स्वभाव को देखने का विधान तीनों काल में कभी भी कठिन नहीं रहा। प्रभु एक बार तो वस्तु को वस्तु की व्यवस्था से समझ ले। देखिए द्रव्य पलटता नहीं है, पर्याय पलटती रहती है। यदि द्रव्य परिणमन को प्राप्त हो जाए, यदि परिणमन को प्राप्त हो जाए तो पलटते हुए द्रव्य के आश्रय से स्थिरता हो नहीं सकती।
और स्थिरता के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए जो पलटती ही रहती है उसका लक्ष्य छोड़ और ध्रुव अपरिणामी चैतन्य तत्व जो एक ही सारभूत है, एक ही सारभूत है, एक ही सारभूत है, उसका लक्ष्य करो। कौन सारभूत है? एक। कौन एक है? अपरिणामी चैतन्य ध्रुव तत्व, यानी कि मैं सारभूत हूँ, उसका लक्ष्य कर। क्या करना है उसमें? मैं हूं का विश्वास करना। ये कठिन क्यों लगता है? सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि हम तो परिणाम के अंदर में कुछ प्रकट करना चाहते हैं, सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हैं, मिथ्यात्व को टालना चाहते हैं, मिथ्यात्व का अभाव करना चाहते हैं, राग द्वेष का अभाव करना चाहते हैं, वितरागता प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए कठिन है। मैंने उसकी जो सहजिक व्यवस्था को हमने सहज नहीं माना, विकल्प भी सहज और निर्विकल्प भी सहज ऐसा माना ही नहीं हमने। विकल्प तो हम करते हैं, विकल्प का अभाव भी हम करेंगे, निर्विकल्प तो हम प्रकट करेंगे। मैंने अनंत कर्तृत्व का बोझा लेकर अपन चलते हैं, अनंत कर्तृत्व का। ऐसा लगता है कि इतनी सी छोटी सी भूल है, छोटी सी भूल नहीं है, पूरा का पूरा जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। प्रभु पर्याय परिणमती है ना, तो उसको परिणमने दो। अपनी योग्यता से परिणमती है, उसको अपनी योग्यता में रहने दो। उसको पलटने का, बदलने का, फेरफार करने का अभिप्राय छोड़ दो। फिर वो परिणाम में जो भी हो वो क्रमबद्ध है। अपन माने तो क्रमबद्ध, न माने तो क्रमबद्ध, फिर उसमें मैं क्या करूं? दृष्टि हटा ले वहां से प्रभु, और टंकोत्कीर्ण अपरिणामी परमात्मा मैं हूं ऐसा मान ले। मानना है और कुछ करना नहीं है प्रभु, क्योंकि जहां पे कुछ हो ही नहीं सकता, पलटने का बदलने का कोई अवसर ही नहीं है जहां पर टंकोत्कीर्ण चैतन्य ध्रुव तत्व जो एक ही सारभूत है, एक ही एक सारभूत सन एक ही सारभूत है, उसका लक्ष्य कर। और शब्द में ऐसा आता है कि लक्ष्य कर, लेकिन लक्ष्य कर का मतलब मैं हूं, क्योंकि अमूर्तिक वस्तु है ना। वे अमूर्तिक वस्तु का लक्ष्य कैसे करें? मूर्तिक वस्तु को तो आंख से देख ले, लेकिन अतिंद्रिय वस्तु है, अमूर्तिक है, बस मैं हूं का विश्वास से उसको जाना जाता है, माना जाता है, उसका स्व संवेदन होता है। और ये अत्यंत सरल विधान है प्रभु। देखिए एक बोल के अंदर में पूरा जैन दर्शन है। अपन राग को राग के स्वभाव से देखे तो राग वितराग हो गया क्या? जिस समय राग होता है उस समय वो सती है, सती है बिल्कुल, उस समय के लिए वो सती है। उसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, किसी के कारण नहीं हुआ, किसी का कर्ता कोई नहीं है, रहने देने उसको, उसमें तुझे क्या अंतर पड़ता है? तेरे में कुछ हुआ क्या कि अनादि अनंत अभेद अखंड एक रूप रहा? बस वो मैं हूँ। मैंने गुरुदेव श्री ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने अपने को कितना निर्बोझ कर दिया उसका अंदाज भी नहीं है। अपन इनकी गहराई को अपन माप नहीं थे,
मापते नहीं और मापते नहीं उसके समझ में नहीं आता। मैं परमात्मा हूँ उसका नाम सम्यक दर्शन है बात आज तक पता ही नहीं चला। इतना सा मानने की बात है प्रभु मैं परमात्मा हूँ और परमात्मा बनने के अभिप्राय के अंदर में नरक निगोद के बीच में रुलते रहा क्योंकि उसके अंदर मैं अपने को दरिद्र माना पामर माना और जो पामर मानता है वो पामर ही रहता है। स्वभाव से जो अमीर है स्वभाव से जो महाराजा स्वभाव से जो चैतन्य चक्रवर्ती है त्रिकाल चक्रवर्ती अपरिणामी त्रिकाल अपरिणामी ही रहता है और वो मैं हूँ। तो कितनी आनंद की बात है कितनी अद्भुतता की बात है कितनी अलौकिकता की बात है। ऐसा गुरुदेव ने अपने को पूरे जीवन भर समझाया। अभी अपन इस बात को अच्छी तरीके से जानकर समझकर पर्याय के सन्मुख देखना छोड़ दें। अपन पर्याय को देखना नहीं छोड़ते हैं पर्याय को सन्मुख देखना छोड़ दें। स्वभाव के सन्मुख देख ये भी तुझे नहीं करना है। ये बदलने वाली पलटने वाली पर्याय अपना मुख बदलती मेरे को तो मुख ही नहीं है मैं तो त्रिकाल एक रूप हूँ। देखिए नहीं हर तरह से देखा जाए तो कितना निर्बोझ है वस्तु निर्भर है निरालंबन है। ये उपदेश भी पर्याय को कि तेरा परांगमुख है तो उसको स्वभाव सन्मुख कर। तो करती कौन है पर्याय करती है आत्मा ने क्या किया तो ज्यों का त्यों रहा जैसा का तैसा रहा। वस्तु न अशुद्ध है वस्तु न शुद्ध है जैसी है ऐसी है जैसा हूँ वैसा हूँ अनादि अनंत एक रूप जैसा हूँ वैसा। प्रभु एक बार इस बात को समझने का प्रयत्न करें। मार्ग प्रकट है बिल्कुल जब शुद्धता की परवाह नहीं रहेगी तो शुद्ध स्वभाव के ऊपर लक्ष्य जाएगा और शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य जाएगा उसी का नाम शुद्धता है। कहाँ परिश्रम कहाँ करना है आपको किसी को छोड़ना नहीं है किसी को लाना नहीं है किसी को देना नहीं है किसी का ग्रहण करना नहीं है। उन्हें वस्तु की व्यवस्था ज्यो की त्यों है वैसा उसको जान ले मान ले समझ ले तेरा काम पूरा। नैन वस्तु की व्यवस्था जैसी ऐसा जान लेता है और श्रद्धा में परमात्मा वैसा मान लेता है तो श्रद्धानपूर्वक जो ज्ञान होता है उसमें पूरी वस्तु का ज्ञान हो जाता है। परिश्रम कहाँ पर है क्या उठाना है कौन चीज का बोझा लेके किसी को लेके छोड़ के आना है। परिणाम को परिणाम में रहने दे वो परिणाम विकल्प रूप परिणाम है कि निर्विकल्प रूप परिणाम है राग रूप परिणाम है कि वितराग रूप परिणाम है आश्रव रूप परिणाम है कि संवर रूप परिणाम है बंध रूप परिणाम है कि मोक्ष रूप परिणाम है। तेरे को उससे कोई लेना देना ही नहीं है। पर्याय की स्वतंत्रता को पर्याय की स्वतंत्रता जान। जहाँ पर्याय को स्वतंत्र जाना सत्य जाना अहेतुक जाना उसका आधार कोई नहीं ऐसा जाना दृष्टि वहां से हट गई और मैं एक ही सारभूत तत्व हूं ऐसी दृष्टि हो गई। उस परिणाम का नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र है। अभी ये कठिन कैसे हो सकता है। कुछ करने की बात के अंदर में तो परिश्रम हो सकता है यहां से इसको उठाकर वहां ले जाना
आपको किसी को लेना भी नहीं है, किसी को छोड़ना भी नहीं, किसी को देना भी नहीं, सब अपने अपने में है। अपन भ्रांति खड़ी करके एक दूसरे के साथ में मिलाकर परेशान होते हैं, वो मिलते नहीं हैं, अपनी कल्पना के अंदर में, अपनी भ्रांति के अंदर में मिल जाते हैं और अपन परेशान होते हैं। अब जब राग ज्ञान में होता ही नहीं है तब राग को टालने का प्रयत्न तू क्यों करता है? जो जुदा है उसको जुदा करने का प्रयत्न क्यों करता है? तो जुदा को जुदा जान व पुरुषार्थ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं ऐसा मान, उसमें उसी का नाम पुरुषार्थ। एक रास्ते पे चलना होगा, बाकी सुगानी जी साहब कहते हैं कि एक शुद्धात्मा के अलावा, एक अपरिणामी के अलावा बाकी सारी बातें हैं। मैंने एक एक बोल अपने रोंगटे खड़े कर दे ऐसे बोल है। समझे एक बार शांति से, धीरज से वस्तु का विचार करे कि कुछ करने की चर्चा तो है ही नहीं इसके अंदर में, पर ये परिणाम थे तो उसका परिणमन होने दो। हाँ, सक्रियता परिणाम ना उसका स्वभाव है, परिणाम ने दो। अब किस रूप परिणाम थी, उसकी योग्यता, उसके क्रमबद्धता, तुझे उससे क्या लेना और क्या देना? तू एक रूप रहता है तो मैं एक रूप रहता हूँ, ऐसा मान ले। इसी के अंदर में अनंत आनंद है और इस अनंत आनंद का वेदन मेरे में नहीं होता, इस अनंत आनंद के आवेदन का मेरे में अभाव है, क्योंकि मैं आवेदक हूँ। आनंद आएगा भी और आनंद से उदासीन भी रहेगा और आनंद बढ़ता भी चला जाएगा और बढ़ते 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 पूर्णता भी हो जाएगी। ऐसी साहजिक स्वाभाविक व्यवस्था ज्ञानी धर्मात्माओं ने अपने को हथेली में लेकर बताई है। जहाँ से वस्तु का स्वभाव बताया गया वहाँ से जानकर, पहचानकर, मानकर, समझकर, मैं त्रिकाल वर्तमान में परमात्मा ही हूँ ऐसा सभी के ज्ञान श्रद्धान में सहज मात्रा में हो, ऐसी मंगल भावना।